नमस्ते एवरीवन, मैं रजनीश मैथ्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं अपने मल्टीप्लिकेशन पार्ट 4 एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन के पार्ट 1 से 3 के एपिसोड में हमने एक सीरीज के, चाहे वो कितने भी डिजिट का नंबर क्यों ना हो, उसके गुणा करने के मैजिकल ट्रिक्स सीखे थे। आज के इस एपिसोड में हम दो अलग अलग नंबर या तीन अलग अलग नंबर जो अलग अलग सीरीज के हैं उनके साथ गुणा करने की ट्रिक्स सीखेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे दो डिजिट के नंबर से। दो डिजिट के नंबर के साथ गुणा करने के मेरे पास 3 मैजिकल ट्रिक्स हैं। आइए एक एक करके उनको देखते हैं। पहला ट्रिक्स है, कोई भी आप दो डिजिट के दो नंबर ले लीजिए, चाहे वो 57 और 68 हो, उनको गुणा करके देखते हैं। तो पहले क्या है आपको जल्दी से करना है, जल्दी सॉल्व करना है, तो पहले हम दोनों नंबर को गुणा करके 5 6 30, फिर 7 8 56। अब एक जगह ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके बाद अब इस नंबर का इससे गुणा करेंगे 42 और इस नंबर का इससे गुणा करेंगे 40, इन दोनों को जोड़ देंगे 82 यहां पे जोड़ देंगे 6 7 8 3, ये हमारा आंसर होगा। इस विधि में क्या करना है आपको, सबसे पहले पहले नंबर का पहले नंबर से गुणा करना है और बाएं से लिख देना है, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर से गुणा करना है उसके बाद लिख देना है, उसके बाद क्या करना है दूसरे नंबर का पहले नंबर से गुणा करना है और पहले नंबर का दूसरे नंबर से गुणा करना है और इन दोनों को सब जोड़ करके एक स्थान या खाली छोड़ करके जोड़ देना है, यही हमारा उत्तर होगा। तो आइए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। और कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 79 into 38, अब यहां पे 7 3 21, 9 8 72, इस नंबर का हो गया 27, ये हो गया 56, 27 और 56 हो गया आपका 83, ये 83 एक स्थान खाली छोड़ के रख दिया, दो 7 3 10 कैरी 1 1 1 2 8 10 कैरी 1 2 1 3, ये हमारा आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, बस सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस ट्रिक से हम कितना जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर ले लीजिए, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि एक नंबर ले लीजिए 97, इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 7 42, 7 5 32 35 and 9 6 54 35 और 54 89 2 3 4 5, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए ये विधि हमने देखी, अब अपने दूसरे ट्रिक के बाद दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। क्रिस्क्रॉस मेथड भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्रिस्क्रॉस मेथड क्या है। दो डिजिट का कोई दो नंबर ले लीजिए जिसको आपस में गुणा करना है, जैसे रख लीजिए 58 into 73, कुछ भी रख लीजिए। अब इसको हम जस्ट समझाने के लिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, वैसे नीचे वाला नंबर भी ए होगा और ये बी होगा। पहले में क्या करना है हमें, B का B से गुणा करना है, स्टेप वन होगा ये, B का B से गुणा करेंगे, स्टेप टू में B का A से और A का B से गुणा करेंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। और स्टेप थ्री में हम A का A से गुणा करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इन तीनों फिगर को मिलाएंगे तो हमारे पास एक नया फिगर जो होगा ये होगा, ऐसे होगा, ये आप देख सकते हैं IXI की तरह दिख रहा है। तो इसको IXI मेथड भी कहा जाता है। तो क्रिस्क्रॉस को हम IXI मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब इस विधि से इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ है 8 3 24,
24 का 4 कैरी 2, अब 3 5 जा 15 और 7 8 जा 56, 15 और 56 71 और कैरी 2 73, कैरी 7, 7 5 जा 35 और 7 42, ये हमारा आंसर होगा 4 2 3 4। अब हम आपको इसको माइंड में करके दिखाएंगे कितना जल्दी इस विधि से हम कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल ले लेंगे, कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 38 × 74। फोर एट जा 32 कैरी 3, 4 3 जा 12 और 3 15 और 56, 15 और 56 आपका हो गया 71 कैरी 7, 7 3 जा 21 और 7 28, ये हमारा आंसर होगा। ये क्रिस क्रॉस मेथड सिर्फ दो डिजिट के लिए अप्लीकेबल नहीं है, चाहे कितना भी बड़े नंबर का डिजिट क्यों ना हो, आपस में जब गुणा करना है तो हम इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है गुणा करने का बेस मेथड भी कहा जा सकता है, ये किसी भी उस पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर के साथ गुणा करने के लिए। इसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि इसका कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। अब आइए अपने ट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं, बढ़ते हैं। ट्रिक थ्री में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक स्पेसिफिक नंबर के साथ ही लागू होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, एक नंबर ले लिया हमने 56 × 54। तो ये ट्रिक थ्री का रूल जो है ये कहता है कि जब किसी संख्या के किसी भी नंबर के वंस डिजिट का सम 10 हो और रिमेनिंग डिजिट सेम हो तब जाकर के ये रूल लागू होता है। तो इस रूल को गुणा कैसे करते हैं, इस रूल से आइए देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल गुणा करना है 4 6 24 और ऊपर वाले नंबर में एक नंबर बढ़ा करके उसको आपस में गुणा कर देना है, तो 5 6 हो जाएगा, 5 6 30। तो इसका बस यही एक कंपल्सन है कि दोनों वंस डिजिट का जो सम है वो 10 होना चाहिए और रिमेनिंग डिजिट सेम होने चाहिए। ये दो डिजिट के लिए नहीं, ये भी किसी भी डिजिट पे लागू हो सकता है, बशर्ते कि ये हमारा कंडीशन ये फुलफिल करता हो कि वंस डिजिट का सम 10 हो और रिमेनिंग डिजिट सेम हो। तो आइए एक 3 डिजिट का नंबर का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 107 1 3 1 0 3। इन दोनों का वंस डिजिट का जो सम है 10 है और रिमेनिंग डिजिट 10 जो है सेम है। तो अब इसको गुणा करके देखेंगे तो 7 3 जा 21 और 10 ये 11 हो जाएगा, तो 11 10 जा 110, ये हमारा आंसर होगा। तो इस डिजिट इस ट्रिक के आधार पर एक नंबर का एक स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। वो नंबर कोई भी नंबर हो जिसका वंस डिजिट 5 हो उसमें हम स्क्वायर निकालने के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए ले लीजिए आप 25 × 25, तो आप देख सकते हैं कि 5 5 10। अगर किसी स्क्वायर का नंबर निकालना है जिसका वंस डिजिट 5 है तो दो बार 5 जोड़ने पे हमारा आंसर 10 ही आएगा और स्क्वायर में रिमेनिंग डिजिट भी सेम होंगे। तो इस तरीके से इसको हम किसी भी नंबर का जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर इस फॉर्मूले से हम सेकेंड में निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 5 25, ये 3 हो जाएगा, 2 3 6। अब कोई नंबर ले लीजिए, 95 ही ले लीजिए, 95 × 95 का स्क्वायर होगा 95 × 95, ये 5 5 25, ये 9 से 10 हो गया, 9 10 90। आप देख सकते हैं कि 95 का स्क्वायर आपने कितनी जल्दी 2 सेकेंड में ही हमने निकाल दिया। तो ये आज का हमारा एपिसोड था, 2 डिजिट के नंबर के साथ कितनी आसानी से हम गुणा कर सकते हैं उसके बारे में हमने 3 ट्रिक्स देखे हैं। उम्मीद है
कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जिसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक मैथ में मल्टीप्लीकेशन के कितने ट्रिक्स हैं और उनका नाम क्या है। अगर आप जानते हैं तो प्लीज हमें बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको इसका उत्तर मैं अपने मल्टीप्लीकेशन पार्ट 5 में दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।